हुए बेटे, तो हमें सबसे पहले आज ये चीज पढ़नी है, हमें डिस्कस करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉस को। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने क्यों जा रहे हैं, सबसे पहले इस रीजन को हमें क्लियर करना है। कल भी मैंने आपको ये चीज बैकग्राउंड दे दी थी कि कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ लॉस की बात करेंगे, अदरवाइज हमारे लिए कौन सा लॉ था, ओम लॉ, जो वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान एक रिलेशनशिप था। तो मेरे बेटे सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास दो तरह के सर्किट्स होते हैं, एक को मेरा बेटा हम नाम देते हैं सिंपल सर्किट का और दूसरे को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट का। छोटी सी मतलब डिफरेंशिएशन की तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। ऐसा सर्किट जैसे कि यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, ये रेजिस्टेंस अटैच है इसके साथ, एक तरफ से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरी तरफ से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। मैं लाइन लगा देता हूं ताकि डिफरेंशिएट कर सके। सबसे पहले ऐसा सर्किट जिसमें सिंगल बैटरी कनेक्टेड हो, और एक ही लूप करंट की बन रही हो, सिंगल लूप हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव जो आपके पास एक लूप आ रही है, कोई और लूप यहां पे करंट की इन्वॉल्व भी नहीं है। उसके अलावा मेरे बेटे ये आपके पास इसकी जो ब्रांचेस हैं, सिंपल सा सर्किट नजर आ रहा है, एक वायर के ऊपर रेजिस्टेंस लगी हुई बैटरी, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो भी क्या हो, सिंपल ब्रांच, लाइक ये डिवाइड नहीं हो रहा फर्दर इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट्स में। इसके अलावा ये फिर ये किसको ओबे करेगा मेरा बेटा, इट विल ओबे द ओहम्स लॉ। ये किसको ओबे करेगा, ओहम लॉ, ओबे द ओहम्स लॉ। हम यहां पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी आर आई की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए जो रिलेशनशिप यूज करेंगे वो मेरा बेटा हमारे पास ओम लॉ होगा, और वो क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। आज जो हम अपने सर्किट की तरफ जा रहे हैं कि अगर हमें किरचॉफ लॉस की बात करनी है तो हमारे पास जो सर्किट है वो कौन से सर्किट होंगे मेरा बेटा, कॉम्प्लेक्स सर्किट। किन सर्किट्स को कॉम्प्लेक्स सर्किट कहा जाता है, एक सर्किट ड्रॉ भी कर लेते हैं, लाइक एक रेजिस्टेंस है जी, यहां पे एक और एक रेजिस्टेंस है, यहां पे एक और रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और एक तरफ से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर देते हैं और एक तरफ से बैटरी का नेगेटिव, लाइक ये यहां पे नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर एक रेजिस्टेंस लगा दी फिर ये, फिर इसके अलावा हम लूप भी करंट की ज्यादा यूज कर लेते हैं, लाइक एक और बैटरी अटैच कर लेते हैं, ये पॉजिटिव और इधर क्या आ गया मेरा बेटा नेगेटिव। अब ये देखो एक करंट की लूप पॉजिटिव टू नेगेटिव ये आ रही है, एक करंट की लूप पॉजिटिव टू नेगेटिव ये जा रही है, और ये सर्किट देखने में कोई सिंपल सर्किट हमें नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा दो लूप हैं, रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा अटैच की हैं, और बैटरीज भी दो अटैच कर ली, लूप भी ज्यादा अटैच कर ली, और जो इसकी ब्रांचेस हैं मतलब देखने में सर्किट भी आपको क्या नजर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है। तो ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए किसकी बात की जाएगी मेरा बेटा, किरचॉफ लॉस की। तो इसके भी पॉइंट्स लिख लें, सबसे पहले मल्टीपल सेल या मल्टीपल बैटरीज यूज करेंगे हम यहां पे, मल्टीपल सेल्स आर बैटरीज। सेकेंड पॉइंट मेरे बेटे हमारे पास ये आता है कि अगर यहां पे जिसकी ब्रांचेस हैं वो कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए हम कौन से लॉ यूज करेंगे मेरा बेटा, किरचॉफ्स लॉस। किसकी बात करेंगे मेरा बेटा, किरचॉफ्स लॉस की। सबसे पहले मेरे बेटे दो तरह के किरचॉफ्स लॉ हैं, एक है आपके पास करंट लॉ और दूसरा मेरे बेटे हमारे पास क्या आ जाता है, वोल्टेज लॉ। एक करंट लॉ और दूसरा हमारे पास क्या है मेरा बेटा, वोल्टेज लॉ। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस किसकी बात करेंगे मेरा बेटा, किरचॉफ्स करंट लॉ की। किसकी बात करेंगे मेरा बेटा, किरचॉफ्स करंट लॉ की। अब मेरे बच्चे सबसे पहले जैसे कि हर लॉ की, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, एम्पीयर लॉ पढ़ा, या व्हाटएवर कोई भी लॉ पढ़ते हो, तो हर लॉ की एक स्टेटमेंट होती है। तो सबसे पहले किरचॉफ्स करंट लॉ की स्टेटमेंट की बात करते हैं, स्टेटमेंट ये कहती है मेरा बेटा, द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी जीरो, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी जीरो, सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट, जो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी जीरो।
तमाम करंट्स का सम जो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं वो क्या होना चाहिए मेरा बेटा, जीरो होना चाहिए। अब यहां पे सिंपल सी बात ये कह सकते हैं, ये पॉइंट है एक आई वन करंट ये आ रहा है इसकी तरफ, आई करंट इसकी तरफ ये जा रहा है, लाइक ये इसकी तरफ जा रहे हैं। एक को आपने नाम दे दिया आई वन का, दूसरे को क्या नाम दे दिया आई टू का। वो कह रहा था सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट, यहां से फर्स्ट करो कोई करंट लिविंग भी होगा मेरे बच्चे, इसे हम कह लेते हैं I3, इसे कह लें I4। अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो ये है I1 प्लस I2 प्लस माइनस I2 माइनस सॉरी I3 माइनस I4 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब मैंने माइनस का साइन क्यों यूज किया, क्योंकि वो ये एंट्री करंट था और वो क्या था मेरा बेटा लिविंग करंट। ए के लिए अगर साइन आपने पॉजिटिव यूज किया तो दूसरे के लिए क्या यूज करना होगा आपने लिविंग। जितना चार्ज बॉडी में एंटर्ड हुआ उतना ही लीव कर गया, सम किया इस पॉइंट पे तो वो आपके पास क्या रहा जीरो। जितना इसमें एंटर्ड हो रहा है उतना इसमें क्या कर रहा है लीव कर रहा है, सम करोगे तो क्या आएगा जीरो। या फिर आप ये कहोगे एंटरिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू लिविंग करंट, इस फॉर्म में तो भी लिखा जा सकता है ना, एंट्री करंट बस इक्वल टू लिविंग करंट। एंट्री करंट के लिए कन्वेंशनली हम यहां पे पॉजिटिव साइन यूज करेंगे और लिविंग करंट के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे मेरा बेटा नेगेटिव। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब इससे ये भी कहा जाता है इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है मेरा बेटा आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें जितना चार्ज एंटर्ड हुआ उतना ही क्या कर रहे हैं लीव कर रहे हैं, टोटल चार्ज क्या रहेगा सेम, इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया मेरे बेटे। अब एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों ने खुद ही बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपका पॉइंट है जिस पॉइंट की हम बात करें द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी जीरो। यहां पे मेरे बेटे 2 और 5 एम्पीयर करंट एंटर्ड हो रहा है, यहां से 2 एम्पीयर एंटर्ड हुआ, यहां से मेरा बेटा आपके पास 5 एम्पीयर एंटर्ड हो रहा है। एंटर्ड का मतलब एरो उसकी तरफ लेके जाऊंगा, 1 एम्पीयर का करंट यहां से लीव कर रहा है। आपसे पूछा जाता है कि ये जो पॉइंट है इन पॉइंट्स को नाम भी दे देते हैं ABCD A, B, C, D. D पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या होगी, ये जो D पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या होगी हमें ये पता है द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी जीरो, एंटरिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू लिविंग करंट। अगर आप इसमें देखो एंटर्ड जितना करंट हो रहा है वो 2 प्लस 5 है 7 एम्पीयर है, इस बात का मतलब ये बनता है कि लिविंग करंट इस बात यहां पर लिविंग करंट ही आएगा, 1 एम्पीयर लीव कर रहे हैं। अब 1 को 7 के इक्वल लाने के लिए यहां पे कितना करंट होगा 6 एम्पीयर, तो आपके पास आंसर क्या आएगा यहां पे 6 एम्पीयर। या फिर आप ये लिखो I1, ये आपके पास क्या है I2, ये क्या आपका मेरा बेटा I3 और ये क्या आपके पास I4। अगर आप इक्वेशन लिखते हो कि I1 प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू I3 प्लस I4, एंट्रिंग और लिविंग दोनों का आपस में क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। एंट्रिंग में देखिए मेरा बेटा ये आपके पास क्या आ रहा है 2 एम्पीयर, यहां पे क्या आ रहा है 5 एम्पीयर, यहां पे क्या आ रहा है मेरा बेटा I3 आपके पास 1 एम्पीयर और I4 मेरे बच्चे आपने क्या करना है कैलकुलेट करना है, तो 5 प्लस 2 7 प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1, तो I4 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरा बेटा आपके पास 6 एम्पीयर। इतनी वैल्यू आ गई मेरे बच्चे आपके पास 6 एम्पीयर। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं ना जिसमें सम ऑफ बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। लेकिन एक चीज लॉ को समझना हो या किसी भी टॉपिक को समझना हो तो हमें उसकी बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइक क्या कन्वेंशन हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आप एंट्रिंग करंट को क्या कंसिडर करेंगे मेरा बेटा पॉजिटिव और लिविंग करंट को क्या लेंगे नेगेटिव, तो ये भी कन्वेंशन है। हम कन्वेंशन क्यों सेटअप करते हैं अपनी आसानी के लिए ताकि टॉपिक को अच्छे से समझा जाए।
हम अपनी आसानी के लिए हमेशा कन्वेंशन सेटअप करते हैं। इसी तरह मेरा बेटा जब किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करेंगे तो वहां पे भी हम ये देखेंगे कि वो करंट लॉ तो हो गया, वोल्टेज की बात करेंगे कि मैंने वोल्टेज को पॉजिटिव कब लेना है, मैंने वोल्टेज को नेगेटिव कब लेना है। अगर ये दो कन्वेंशन मुझे पता होंगी तो मेरे बेटे मेरे पास मुझे किरचॉफ्स करंट वोल्टेज लॉ को समझना भी मुश्किल नहीं होगा। ये है सम ऑफ ऑल द करंट meeting at a point must be zero, वो आएगा sum of all the potential changes in a circuit must be zero। भाई एक जगह पे जो change आया है, आप सब कहते हो ना कि energy की एक form दूसरी form में क्या हो रही होती है, convert हो रही होती, वहाँ पे आप prove करोगे law conservation of energy कि एक जगह से अगर ये कम हो रहा है तो दूसरी जगह पे बढ़ रहा है, टोटल हमेशा क्या रहेगा सेम। अगर टोटल भी करोगे तो चेंज हमेशा आपके पास क्या आएगा, जीरो, मतलब ना होने के बराबर। वो हमारा होगा मेरा बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो सबसे ज्यादा आप देखते हो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज आ रहा होता है सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन क्लियर हो गया, पहली बात ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम किरचॉफ्स लॉस को पढ़ने क्यों जा रहे हैं। हम इसलिए पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास दो तरह के सर्किट होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें एक बैटरी, करंट की एक लूप, सिंपल ब्रांच और ओबे कर रहा हूं ओम लॉ, ऐसे सर्किट को सिंपल सर्किट कहते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए ओम लॉ इनफ है। लेकिन अगर आपके पास मोर देन वन लूप आ जाती है, हमें वन बाय वन लूप को सॉल्व करना होता है। जैसे मैं कहती सबसे पहले खुद कन्वेंशन सेट करूंगा, या तो मैं करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लू या फिर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लू। और एंटी क्लॉकवाइज मोस्टली आपको पता है पॉजिटिव साइन लेते हो, क्लॉकवाइज आप क्या लेते हो नेगेटिव। तो अगर आप इक्वेशंस बनाते हो क्लॉकवाइज तो आपके पास इक्वेशन में फर्क नहीं आएगा, सिर्फ साइन में चेंज आएगा। वोल्टेज की वैल्यू तो कम ज्यादा नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज करने से वैल्यू कम ज्यादा नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाता है, साइन चेंज आ जाता है। मैं कहता हूं यार मैं एक्स की राइट पे पॉजिटिव लेता हूं तो लेफ्ट में क्या आएगा, नेगेटिव। अगर हम लोगों ने कन्वेंशन सेट किए थे एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन लेंगे तो V is equal to IR पॉजिटिव लें, और अगर क्लॉकवाइज ले लें तो उसी को क्या ले लें मेरा बेटा, नेगेटिव ले लें। तो किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड में तब्दीली नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ उसका क्या चेंज होता है मेरा बेटा, साइन, जो सिर्फ आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि यू जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन या आपने डायरेक्शन को चेंज किया हुआ है, इसके अलावा मैग्नीट्यूड पे कभी कोई फर्क नहीं आता। यहां तक क्लियर हो गया मेरा बेटा। Sum of all the currents meeting at a point must be zero. अगर एक ही पॉइंट पे जहां से करंट एंटर्ड भी हो रहा है लीव भी हो रहा है, अब जितना एंटर्ड हुआ उतना ही क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, तो टोटल तो क्या रहेगा, जीरो। या फिर एंटरिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू लीविंग करंट, तो ये लॉ किसका मेरा बेटा, किरचॉफ्स करंट। और इस तरह अगर हमारे पास सर्किट्स आ जाते हैं और हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम पॉइंट्स फोर्स करके और एंट्रिंग और लीविंग इक्वेशन बना के वहां पे अननोन वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि भी हमने आई फोर की वैल्यू कैलकुलेट की। तो आज मेरा बेटा यहीं तक, कल बात करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की। खुश रहें, आबाद रहें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वो भी कर लें। अल्लाह हाफिज़। साथ साथ